नमस्कार दोस्तों, आज देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ अपनी पर्सलिन और पोर्चुलका के पौधों को, इनको कि मैंने कटिंग के द्वारा ग्रो किया था और अभी इस समय जो है इस पर बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। और ये सब मिक्स मेरे पौधे लगे हुए हैं क्योंकि ये सब मैंने कटिंग के द्वारा ही लगाए थे और अप्रैल में जो है मैंने इनकी कटिंग लगाई थी और इस समय जो है करीब ये 1-1.5 महीने से बहुत अच्छे तरीके से फूल दे रहे हैं। और कभी कभी जो है इसमें बहुत ढेर सारे फूल आते हैं और कभी कभी इसमें फ्लावरिंग जो होती है कम हो जाती है, तो आज थोड़ी इसमें फ्लावरिंग कम है। और ये देखिए इसका कितना अच्छा कलर है। तो आप पर्सलिन और पोर्चुलका को जो है कटिंग के द्वारा बहुत आसानी से लगा सकते हैं। और ये देखिए, ये मेरा मॉस रोज़ का पौधा है, इस पर भी बहुत हैवी फ्लावरिंग हो रही है और इस पर आज तो फ्लावरिंग कम हुई है, तो इसका कलर बहुत अच्छा है। तो इसको जो है जब इसके फूल जो है खिल चुकते हैं तब हमें इसके फूलों को जो है तोड़ते रहना चाहिए जिससे कि इसमें और ढेर सारी कलियां बने और ढेर सारे फूल आए। और इन पौधों को जो है हमें बहुत तेज़ धूप में रखना है जिससे कि इसमें फ्लावरिंग अच्छी हो। जितनी तेज़ धूप में हम इन पौधों को रखेंगे उतनी अच्छी हमारे पौधों में जो है फ्लावरिंग होगी। अगर ये पौधे छाया में पड़े रहते हैं तो ये हरे तो रहते हैं लेकिन पर जो है फ्लावरिंग नहीं होती। बहुत से लोग कहते हैं कि हमारे पौधों पर जो है फ्लावरिंग नहीं हो रही है, उसका मेन कारण यही होता है कि हम इन्हें या तो छाया में रखें या फिर हमने इनमें ओवर वाटरिंग कर दी, क्योंकि इस पौधे को जो है पानी भी बहुत कम पसंद है। इसको अगर हम 3-4 दिन में एक बार पानी देते हैं तब भी ये बहुत अच्छे तरीके से इसी तरीके से फ्लावरिंग देता रहता है। तो इसके जितने भी सूखे हुए फूल हों उनको हमें तोड़ते रहना है, इसको हमें कम पानी देना है और हमें इसको तेज़ धूप में रखना है। तो इसकी हम छोटी से छोटी कटिंग भी जो है ग्रो कर सकते हैं और अभी भी हम इसकी कटिंग को जो है लगा सकते हैं। तो मैं भी इन पौधों की जो है बहुत छोटी छोटी कटिंग लाई थी और हर साल मैं अब इन पौधों को जो है इसी तरीके से कटिंग के द्वारा लगा लेती हूँ और उनको जब इसका सीज़न ख़त्म हो जाता है तब इसको मैं नेक्स्ट ईयर के लिए जो है एक पॉट में सभी प्लांट्स की थोड़ी थोड़ी कटिंग लगाकर जो है रख देती हूँ और नेक्स्ट ईयर के लिए जो है इसकी कटिंग हो जाती है। और इसी के साथ ये देखिए मेरा कॉस्मोस का भी पौधा लग गया है और ये गेंदा भी लग गया है। और जब मैंने इनकी कटिंग को लगाया था तो ये बहुत छोटे छोटे से इसमें लगे हुए थे, अब जो है इस पर ये बहुत बड़े बड़े हो गए हैं। और ये मेरी कुछ कटिंग जो है बाद की लगी हुई है तो जिस पर जो है अभी फ्लावरिंग होनी शुरू हो रही है। तो ये इस तरीके से बहुत सुंदर लगते हैं इसके ये खिले हुए फूल। और आज मैं अपना वो पौधा दिखाती हूँ जिसकी कि पत्तियाँ पीली पड़ रही हैं और इसकी पत्तियाँ जो है झड़ भी रही हैं। तो इसका कारण ये भी हो सकता है कि इस पौधे में जो है बहुत सारी कटिंग मैंने लगा दी थी, उन कटिंग को जो है मैंने हटाया नहीं क्योंकि कुछ थोड़ा सा लालच हो जाता है और कटिंग को हम हटाते नहीं हैं और इसी तरीके से लगी रहती हैं। तो इसको जो है उतना अच्छा जो है फर्टिलाइज़र नहीं मिल पा रहा है जिसके कारण भी इसमें हो सकता है पत्तियां पीली पड़ रही हैं। तो आज मैं इसमें थोड़ा सा फर्टिलाइज़र भी डालूंगी और जो है इसकी जो पत्तियाँ पीली होकर झड़ रही हैं तो उनके लिए मैं सोच रही हूँ हो सकता है कोई इंसेक्ट का अटैक हो तो उसको भी मैं ट्रीट कर दूंगी। तो उसके लिए जो है मैं यूज़ कर रही हूँ इस राग को, और इस राग का यूज़ जो है फर्टिलाइज़र के रूप में भी कर सकते हैं और जो है पेस्टिसाइड के रूप में भी कर सकते हैं। तो बस इस राग को आप कहीं से भी मंगा लीजिए, मैं तो जो है इसको स्टोर करके रख लेती हूँ और अपने दूध वाले भैया से या किसी से भी आप इसको मंगा लीजिए और इस तरीके से आप भी मैं स्टोर करके रख लीजिए। तो इसका जो है थोड़ा सा छिड़काव हम इसके ऊपर कर देते हैं और इसको हम हफ्ते में 2-3 बार जो है इसका छिड़काव करेंगे जिससे कि अगर इसमें किसी प्रकार के कोई पेस्ट का अटैक होगा तो वो दूर हो जाएगा। और अगर इसमें कोई फर्टिलाइज़र की कमी होगी तो वो भी मैं इस राग को जो है थोड़ी सी अपने पॉटों में डाल दूँगी। तो ये बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र भी है, तो ये दोनों तरीके से काम करेगा।
और ये मैं इस तरीके से इसको डाल दे रही हूँ। और इसको डालने से पहले जो है हमें थोड़ा सा पत्तियों को जो है गीला कर लेना है, जिससे कि ये राख को जब हम छिड़कते हैं तो ये जो थोड़ा होता है इसमें चिपक जाती है। तो इस तरीके से देखिए मैंने इसको इसके अंदर भी डाल दिया है, और जो इसके अंदर अंदर जो पत्तियाँ हैं वो बिल्कुल ग्रीन है, लेकिन इसकी जो ऊपर ऊपर की जो पत्तियाँ हैं जो पुरानी हो गई हैं वो बिल्कुल से पीली पड़ गई हैं। तो उसका कारण समझ में नहीं आ रहा है। तो फर्टिलाइज़र की कमी तो नहीं लग रही है, लग रहा है कि किसी पेस्ट का अटैक है। तो इस तरीके से जो है मैंने अब इसको डाल दिया है, अब देखते हैं थोड़े दिनों के बाद क्या होता है। तो इसी तरीके से जो है मैं अपने प्लांट्स अगर ख़राब हो रहे हैं तो इस तरीके से हम उनको देखभाल कर सकते हैं। और ये वीडियो बनाते बनाते मैंने सोचा चलो इसको भी मैं डाल ही देती हूँ। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें होती है पर्सलिंग पोर्चुलाका के बारे में, और ये बहुत सुंदर फूल लगते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।